दोस्तों जो बच्चे होते हैं, एक दिन का बच्चा हो, 8 दिन का बच्चा हो, या कहें 15 साल तक का बच्चा हो, वो हमारे घर जन्म लेते हैं और हम उनका खूब प्यार से लालन पालन करते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भगवान बच्चे को जन्म देता है तो उसको मारना क्या जरूरी होता है, लेकिन वो चला जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा के हाथों में है। अपने कर्मों का तो फल भोगना पड़ता है इस मृत्यु लोक में और इस मनुष्य युग में, चाहे कितने भी युग बीत जाएं, सजा तो भोगनी पड़ती है। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 साल, 15 साल तक वो हमें छोड़कर चला गया। इसकी वजह, इसका कारण जानिए। इसकी वजह ये है कि मारखंडे पुराण और गरुण पुराण ये कहती है कि हमने किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार किया है एवं उसकी हत्या की है, किसी को हमने सताया है और किसी का हमने बहुत बुरा किया है, और हमारा पूरा जन्म उन व्यक्तियों को जन्म से दुख देते देते निकल गया। जो हमारा पुनर्जन्म था वो हमारे घर में पुत्र के रूप में, पोते के रूप में, या कहे बेटी के रूप में आता है और वो हमारा सर्वनाश करता है। जबकि हमारे घर में 15 साल का बच्चा है तो हमारे घर के चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, और जब 5 साल, 10 साल, 15 साल का बच्चा हमारे घर से विदा होकर चला जाता है हमेशा के लिए, तो हमें नरक में छोड़ जाता है। यहाँ मृत्यु लोक में भी हमें यहाँ नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, किसी निर्दोष इंसान को मत सताओ। कोई भी प्राणी हो उसे बिन वजह ना मारना चाहिए, और कोई वजह ना हो, चाहे वो जीव नाम कोई भी हो, फिर भी हमें किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, वरना हम ऋण चुकाते रहेंगे और ये युग का अंत हो जाएगा, जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए किसी जीव और निर्दोष प्राणी पर अत्याचार ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।